shop. Second, subject है English. English में हम कर रहे हैं pronoun word. क्या कर रहे हैं? Pronoun word यानी सर्वनाम शब्द, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम शब्द. Pronoun word यानी सर्वनाम शब्द. इससे पहले भी पिछले दो वीडियो में हम pronoun word के बारे में बात किए थे, तो जहाँ तक कर लिए हैं उसके आगे, जैसे दे, टी एच ई वाई, दे का मतलब क्या होता है? वे. दे का मतलब क्या होता है? वे. दे का मतलब क्या होता है? वे. अगला प्रोनाउन वर्ड है देयर, टी एच ई, टी एच ई आई आर, टी एच ई आई आर, देयर. देयर यानी उनका. देयर, देयर का मतलब होता है उनका. टी एच ई आई आर, देयर. देयर का मतलब क्या होता है? उनका. टी एच ई आई आर, देयर. देयर का मतलब होता है उनका. देम, टी एच ई एम, टी एच ई एम, टी एच ई एम, देम. देम यानी उनको. देम, देम का मतलब होता है उनको. टी एच ई एम, देम. देम का मतलब होता है उनको. अगला प्रोनाउन वर्ड है अपना दिस, टी एच आई एस, टी एच आई एस. दिस का मतलब होता है यह. दिस, दिस का मतलब होता है यह. टी एच आई एस, दिस. दिस का मतलब होता है यह. अगला नंबर पाँच, पेड, दैट, टी एच ए टी, दैट. दैट का मतलब होता है वह. दैट का मतलब होता है वह. तो इस प्रकार से आज आपको और मैं पांच प्रोनाउन वर्ड कराया. अब हम बात करते हैं गणित. गणित में सवाल करेंगे. गणित में यहाँ दिया हुआ रहे, जैसे मान लो गणित में कि एक पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य 45 रुपया है, तो 22 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो. यानी एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ, हमसे कहा जा रहा 22 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो. यानी एक वस्तु का मूल्य देकर के ज्यादा वस्तु का मूल्य
पूछा जा रहा है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना दिया है, 45 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य बराबर 45 रुपया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 22 पुस्तकों का मूल्य बराबर, एक का 45 रुपये दिया है, 22 का पूछ रहा है, तो 45 में 22 का गुणा कर देंगे, यानी 45 × 22, 2 × 5 = 10 का 0 हासिल लगाए, 2 × 4 = 8 और 1 = 9, 1 × लगा देंगे, 2 × 5 = 10 का 0 हासिल लगाए, 2 × 4 = 8 और 1 = 9 जोड़ देंगे, 0 9 9 जोड़ने में कितना आ गया, 990 रुपया। जब एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपया हो तो 22 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 990 रुपया। तो आज के लिए इतना ही।